कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और इस वजह से लोगों के काम करने का तरीका भी बदल गया, जिससे न्यायपालिका भी अछूती नहीं है। देश भर से सुप्रीम कोर्ट में अब ई फाइलिंग के जरिए याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश ने देश भर में याचिकाकर्ताओं और वकीलों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक याचिका दायर करने की सुविधा की शुरुआत भी की। ये ई फाइलिंग 24/7 है, यानी कि 2400 घंटे, और फीस का भुगतान भी ऑनलाइन है, और कुछ इसी तरह का सिस्टम दूसरे कोर्ट में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या इस कोरोना संकट के बीच जो काम करने का नया तरीका न्यायपालिका ने सोचा है या शुरुआत की है, इसे दूरदराज के कोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, इसके फायदे क्या हैं, और क्या इसके जरिए जो एक लंबा पेंडेंसी का इशू रहा है उसे दूर किया जा सकता है, और आम जन को इससे क्या फायदा हो सकता है, और साथ ही साथ इसके रास्ते की चुनौतियां क्या है, ये भी समझेंगे। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। पीके मल्होत्रा सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मल्होत्रा सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। रेखा अग्रवाल जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। रेखा जी, स्वागत है। हरजीत सिंह जसपाल हैं, फॉर्मर मेट्रोपॉलिटन जज, 30,000 कोर्ट। हरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में मल्होत्रा सर आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से कोरोना में हमने देखा कि काम करने का तरीका बदल रहा है, और कोरोना जब खत्म भी होगा तब तक शायद काम करने के तरीके काफी कुछ बदल चुके होंगे, न्यायपालिका ने जो शुरुआत की है खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ई फाइलिंग और इसके बाद ई फीस का भुगतान, और मैं कहूँ कि ई कोर्ट की तरफ तेजी के साथ ये कदम कैसे आप देखते हैं, और क्या इसे एक नए रूप में हम देख पाएंगे पूरी की पूरी न्यायपालिका को अगले कुछ वर्षों या महीनों के बाद, अगर इसको आगे बढ़ाया जाए? कविंद्र जी, देखिए, जुडिशियल रिफॉर्म जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और मैं समझता हूँ ये कोरोना की जो आपदा पूरी दुनिया में आई है, और मोर पर्टिकुलरली अपने देश की बात कर रहा हूँ, ये जुडिशरी में जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के यूज के लिए मैं समझता हूँ एक नया अवेन्यू इसने खोला है। हम जुडिशियल रिफॉर्म शुरू काफी समय से करते आ रहे हैं, 90s से लेकर के आज तक जुडिशियल रिफॉर्म का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कोर्ट्स को अपग्रेड करना, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और जजेस की नियुक्ति करना, केसेस को कम करना, और यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये प्रोसेस कोई आज से शुरू नहीं हुआ, इसकी शुरुआत मिड 90s में ही हो गई थी। मिड 90s की शुरुआत के बाद जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था उसमें ये कहा गया कि कोर्ट्स में कंप्यूटर प्रोवाइड किए जाएं, जजेस के पास कंप्यूटर होना चाहिए, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, शायद वो सोच यहीं तक थी। और उस समय ये भी हुआ कि बहुत से लोग इसको रिसीव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं थे, और एक्चुअल जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ कोर्ट्स को ई फाइलिंग को लेकर के या उसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज्यादा यूज का, वो 2005 में हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस महोदय ने एक ई कमेटी का गठन किया, उसको स्टेट लेवल पर भी शुरू किया गया, हर एक हाई कोर्ट में एक ई कोर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया गया जहां सबको इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर प्रोवाइड किए गए। उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि आपकी कोर्ट्स की जो आपके लिस्ट कॉज लिस्ट आती है वो आपको कंप्यूटर से मिलनी शुरू हो गई, जजमेंट्स आनी शुरू हुई वो कंप्यूटर के ऊपर आनी शुरू हो गई, आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट है उसके लिए कंप्यूटराइजेशन शुरू हो गया। लेकिन तब भी कभी ये नहीं सोचा गया कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केसेस की सुनवाई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ ये 2005 के बाद ही जाकर के शुरू हुआ, जब ये ई कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया, और शुरू शुरू में वो केसेस जो थोड़े आसान केसेस थे। मैं समझता हूँ ये कोविड हमारे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया है जहां पर फोर्स ई कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है उसको एक्सपीडाइट किया गया है, लोग बहुत ज्यादा अभी टेक्सावी हो गए हैं और अब इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहां लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, आप अपीयर हो ही नहीं सकते, वहां आपको परफोर्स इसको काम करना पड़ रहा है। और इसके लिए मैं समझता हूँ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 15 मई 2020 को जो ऑर्डर पास करके अंडर आर्टिकल 142
ये कहा है कि ई कोर्ट के माध्यम से जितने भी कार्य किए जाएंगे वो लीगली मान्य होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक जो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क था उसको और स्ट्रेंथन किया है और अब बहुत सारे मैटर जो हैं वो ई कोर्ट के द्वारा सुनवाई में आ रहे हैं और उनका डिस्पोजल भी हो रहा है। और एक जो इसमें सबसे बड़ी अभी डिफिकल्टी आ रही है हमारे सामने, शायद टेक्नोलॉजी को जितना परफेक्ट होना चाहिए उतना परफेक्ट नहीं है, अभी कनेक्टिविटी के इशू हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स के पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिएट करने की आवश्यकता है और बहुत सारे हमारे जो लिटिगेंट और एडवोकेट्स हैं शायद उनमें जो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो फिजिकल कोर्ट में अपीयर होने के बाद आता है शायद वो कॉन्फिडेंस भी अभी लैक कर रहा है। जब ये सारी सुविधाएं हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ ई कोर्ट के माध्यम से जो हियरिंग हो रही है, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से जो हियरिंग हो रही है, दैट विल बिकम एन ऑर्डर ऑफ द डे इन द इयर्स टू कम। ऑफ कोर्स सारे केसेस को आप इस माध्यम से शायद अभी नहीं कर पाएंगे, इसके बहुत सारे और भी पहलू हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और हमें देखना पड़ेगा, लेकिन दिस इज गोइंग टू स्टे इवन आफ्टर COVID-19 ऑल्सो। ओके अजीत जी, जी वर्चुअल कोर्ट मैं कहूँ जिस तरीके से ई सिस्टम ने मजबूरी कहें प्रोसेस बहुत पहले शुरू हुआ लेकिन कोविड ने हमें मजबूर कर दिया कि उसकी तरफ बढ़ना ही है, जो रियल कोर्ट से और ई कोर्ट में क्या क्या बड़ा फर्क दिखता है एक याचिकाकर्ता के लिए, एक वकील के लिए और एक जज के लिए? जी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे मल्होत्रा साहब ने बताया, ई कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हम काफी लंबे समय से प्रयासरत थे, हम कोशिश कर रहे थे कि ई कोर्ट्स अधिक से अधिक मामलों में पॉसिबल किए जा सके, ज्यादा से ज्यादा मामले ऑनलाइन सुनवाई के थ्रू सुन सके। ये जो आपदा देश पे आ पड़ी है ये एक तरह से पुश मिला है इस ई कोर्ट प्रोजेक्ट को, सोशल डिस्टेंसिंग कहें या लॉकडाउन कहें या बहुत सारे और कारण कहें जिसकी वजह से हमें मजबूरन ये काम उठाएं, हम बहुत सारे कदम उठाएं। मैं अगर आपको उदाहरण बताऊं तो 2019 में, मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ई कोर्ट्स ऐप एक एप्लीकेशन इनॉग्रेट किया था जिसमें आप अपने केस की सारे स्टेजेस, आपका केस कहाँ पहुंचा है, क्या ऑर्डर हुआ है उसके अंदर, अगली तारीख क्या लगी है, पिछली तारीख क्या थी, ये सारी मामले आप चेक कर पाओगे। मैं बहुत, इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड, बहुत प्रसन्नता की बात है मेरे लिए, गर्व की बात है ये कि तकरीबन रोज इस ऐप को 5,000 डाउनलोड हो रहे हैं, लाखों बार ऑलरेडी ये ऐप डाउनलोड हो चुका है, अधिक से अधिक लोग इस ऐप से जुड़ रहे हैं ऑलरेडी। अगर हम इस बारे में बात करें कि क्या डिफरेंस रहेगा क्या डिफरेंस रहेगा एक याचिकाकर्ता, एक जज, एक मैजिस्ट्रेट के लिए, अगर हम बात करें कि कैसे लाइफ चेंज होगी, कैसे कोर्ट प्रोसीडिंग चेंज होगी, तो सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा डिफरेंस है वो है पेपरलेसनेस का। यानी कि कोर्ट में पेपर ना आना अपने आप में बड़ी बात है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होंगी। जैसे कि एक 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 छोटा उदाहरण लेके देखें तो कंफर्टेबल जोन सबके लिए, कंफर्ट जोन जिसको हम कहते हैं, वो वकीलों के लिए भी और जजेस के लिए भी, एक याचिकाकर्ता के लिए भी यही है कि वो कोर्ट में आएगा, वो कोर्ट में आके खड़ा होगा, अपीयर होगा, सब पे एक कॉन्फिडेंस होता है, एक कंफर्ट जोन होता है। तो हाँ, मैं ये बात जरूर मानता हूँ कि हम जो ट्रेडिशनल लिटिगेशन जिसको कहते हैं वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन से लेकर वेरिफिकेशन से लेकर नोटरी पब्लिक से लेकर सबका कार्य चेंज होगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये सोसाइटी के पूरे हित में। ये सिर्फ अगर हम ये सोचें कि कोर्ट ना आना पड़े तो ये बहुत छोटा सा फायदा होगा उसका, उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, पोल्यूशन से लेकर कम्यूटिंग से लेकर आपका पेपर कितना बच जाता है, एफिशिएंसी कितनी बचती है। कोर्ट चलाना एक काफी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है पूरा का पूरा। आप अगर कोर्ट ऑनलाइन चला पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं आना पड़ रहा, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कोई वेरिएशन नहीं लाना पड़ रहा, मैं आज ऑफिस की छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी मुझे, मेरी दुकान नहीं बंद करनी पड़ेगी, अगर मैं अपने घर से ही, अगर मैं ऑनलाइन ही अपीयर हो जाता हूँ, फाइलिंग में ऑनलाइन कर पाता हूँ, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि एक सराहनीय और एक वेलकम स्टेप रहेगा फ्यूचर के लिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। रेखा जी, मैं आता हूँ वकीलों के पक्ष पर, क्योंकि दो तीन चीजें जो सुनने में आई और कई जगह कई बार ऐसा कहता है टेक्नोलॉजी सेवी होना, दूसरा ये है कि सहूलियत के नजरिए से अगर मैं कहूँ, क्योंकि पेपरलेस होगा लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को बहस जरा उसी तरीके से करनी होगी या उससे ज्यादा बेहतर तरीके से करनी होगी, ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसके अलावा क्या एक याचिकाकर्ता के लिए और एक वकील के लिए सहूलियत के तौर पर आप देखते हैं
अगर हम इस सिस्टम को पूरे देश में लागू कर पाए। देखिए, जैसे मल्होत्रा जी ने और जसपाल जी ने कहा, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसके फायदे, जो एक नए जमाने की एजुकेशन है, समाप्त कर दिया। और अगर हम इसको पॉजिटिव दृष्टि से देखें, इसको एक चैलेंज जरूर लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि सडनली, जैसे कहते हैं कि हमारे सामने एक नई चीज समा दी गई। अभी तक जो ई कोर्ट्स थी, जो वर्चुअल कोर्ट्स थी, स्पेशली जैसे चलान जो कोर्ट्स थी, वो आपकी चॉइस थी, आप चाहें तो उन पर जा सकते हैं, चाहें तो नहीं जा सकते। तो एक जैसे कंपल्शन, कोई चॉइस नहीं है, फिजिकल है कि शारीरिक रूप से अगर आपको जाके कोर्ट्स में खड़े होने का जो एक लुत्फ आता था, मुश्किलें भी होती थी, पॉल्यूशन बढ़ता था, आपको थकावट होती थी, समय जाया होता था, पैसा लगता था, वगैरह वगैरह, वो पर एक लुत्फ भी आता था। तो हाँ, एक बड़ा चैलेंज है, पर ये वकीलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, पर इसके साथ साथ उसके फायदे बेशुमार है। बिल्कुल, मैं आना चाहता हूँ उसी पॉइंट पर कि असल में देखना चाहिए जिस तरीके से मल्होत्रा सर, आम पब्लिक के नजरिए से अगर मैं समझूं, कुछ लोग कहते हैं कि इससे जो पेंडेंसी है केसेस की, जो कि एक बैकलॉग बहुत लंबा है, उसको हम कम कर पाएंगे तेजी के साथ। लेकिन क्या ई सिस्टम के जरिए आम आदमी को ज्यादा सहूलियत होगी? क्योंकि जिस तरीके से हमारा भारत का परिवेश है, जो कि शिक्षा है, उसमें टेक्नोलॉजी का समझना और उसको उस याचिकाकर्ता तक पहुँचाना, क्या ये सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है? कविंदर जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो आप उठा रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर फोर्स किया गया है, और शायद कोर्ट्स उस समय तक इसको मतलब वर्चुअल कोर्ट के लिए तैयार नहीं थी। ई फाइलिंग कोर्ट्स ने परमिट कर दिया, आप डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर सकते हैं, और शायद ई कोर्ट के लिए या वर्चुअल कोर्ट के लिए इसलिए नहीं तैयार नहीं थे कि टेक्नोलॉजिकली जितनी एक्सपर्टीज कोर्ट्स के पास होनी चाहिए और जिस तरह की सुविधाएं उनके पास होनी चाहिए, शायद वो अभी तक कोर्ट्स के पास बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी अभी तक नहीं पहुंच पाएंगे। और शायद इसमें एक डिजिटल डिवाइड की बात भी है, एक बहुत बड़ा तबका जिसके पास ये सुविधाएं आज नहीं है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, आज उनके केसेस को टेकअप ही नहीं किया जा रहा, ऑलरेडी जो केसेस कोर्ट में फिक्स हुए थे उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो पहले तो हमें एक रॉबस्ट टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तालुका लेवल तक अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में भी नहीं है, आज की तारीख में भी वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लेकिन जिस तरह का विश्वास लोगों के अंदर आना चाहिए। आज भी एक जो क्लाइंट है वो जो विलेज में रहता है, आज भी उसको लगता है कि जब तक हमारे वकील ने कोर्ट में जाके जज साहब के सामने बहस नहीं की है तब तक उसको तसल्ली नहीं होती। तो वो तसल्ली करने के लिए शायद हमें एक समय लगेगा, और मैं समझता हूँ जब भी आप सिस्टम में चेंज करते हैं तो इस तरह की दुविधाएं आती हैं, और उन दुविधाओं के लिए रास्ते भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या इससे पेंडेंसी कम होगी। मैं समझता हूँ जो हम बात करते हैं कि 3 करोड़ 20 लाख केसेस जो है आज पूरे देश में आज भी पेंडिंग है, हम 3 करोड़ 20 लाख केसेस के बाद आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, उस पेंडेंसी को कम करने में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा। आज एक एडवोकेट, मान लीजिए किसी एक सीनियर एडवोकेट को एक मैटर उसके पास है जो उसने मद्रास में भी आर्ग्यू करना है और जयपुर में भी आर्ग्यू करना है और दिल्ली में भी आर्ग्यू करना है, इस माध्यम से ई कोर्ट के माध्यम से वो अपने घर बैठा बैठा इन 3 जगह में अपीयर हो सकता है, जबकि उसकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए वो संभव नहीं था, उसको एडजॉइनमेंट लेनी पड़ती थी, आज वो अपने घर में बैठा हुआ ये कर पाए। एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी को आपको ठीक करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ उसके लिए ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास माध्यम नहीं है, हमारे पास माध्यम भी है। उसके लिए अगर हमें देखूँ लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्रिएट की गई है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्रिएट की गई है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्रिएट की गई है, तालुका लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटी क्रिएट की है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं उन सबको जिनके पास टेक्नोलॉजिकल हेल्प अवेलेबल नहीं है। ये प्लेटफॉर्म के अलावा जजेस की ट्रेनिंग के लिए, एडवोकेट्स की ट्रेनिंग के लिए हमारे पास नेशनल जुडिशियल अकेडमी है, स्टेट जुडिशियल अकेडमीज हैं, वो उनको ट्रेनिंग दे सकती हैं ताकि इस सिस्टम को और अच्छी तरह से यूज किया जा सके। और इसके अलावा मैं समझता हूँ जो हमारे ये ई कोर्ट कमेटीज हैं कोर्ट्स के अंदर, वो भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं इन प्रोवाइडिंग ए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑल द जजेस, इन अगर हम ये सारे स्टेप लेते हैं। लेकिन एक चीज मैं और ना कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है,
टेक्नोलॉजी सिर्फ एक माध्यम है, ये अपने आप में एक एंड नहीं है। एंड है रेंडरिंग जस्टिस, और आम आदमी को उस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस हमें डेवलप करना है, और मैं समझता हूँ समय के साथ साथ ये होगा। जिस तरह की सुविधाओं की बात मैडम ने भी की और हरदीप जी ने भी की कि भाई कोर्ट में जाते हैं तो आपको डिफरेंट तरह का माहौल मिलता है, मैं समझता हूँ जब आपका वर्चुअल कोर्ट होगा और आर्ग्यूमेंट इस प्लेटफॉर्म पे होंगे तो शायद आर्ग्यूमेंट्स के अंदर एक ज्यादा डिसिप्लिन आएगा, और जो समय बेकार की बातों में नष्ट हो जाता था कोर्ट के अंदर, वो बहुत सारा समय बचेगा। और जब इसकी रिकॉर्डिंग भी होनी शुरू हो जाएगी, आज की तारीख में रिकॉर्डिंग परमिशन नहीं है, लेकिन जब रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगी तो मैं समझता हूँ अपील कोर्ट में भी जो है कम समय लगेगा, क्योंकि कोई भी वकील ये नहीं कह पाएगा कि मैंने आर्ग्यू करते हुए जज साहब के सामने ये पॉइंट लिया था, जज साहब ने ये पॉइंट कंसीडर नहीं किया, क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो शायद उसको ये मौका नहीं मिलेगा, तो शायद अपील में भी डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। तो इसके साथ में मैं समझता हूँ ई कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है इट इज गोइंग टू स्टे हियर, और बहुत सारे केसेस हैं, फैमिली मैटर के डिस्प्यूट्स हैं, रिमांड मैटर हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के केसेस हैं, और आज भी एविडेंस रिकॉर्ड होती है, ऐसा नहीं है कि एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होती। मान लीजिए एडॉप्शन के जो केसेस होते हैं या चाइल्ड एब्यूज के जो केसेस होते हैं, इन सब तरह के केसेस में अगर मान लीजिए विटनेस कहीं देश के बाहर है तो उनकी एविडेंस आज भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रिकॉर्ड होती है। थिंकिंग सिस्टम को परफेक्ट करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा केसेस में यूज करने की जरूरत है। पर अगेन मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप सभी केसेस वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं, अभी वो लेवल हमारे यहाँ परफेक्शन का नहीं पहुंचा, उसमें शायद अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। अजीत जी, दो बातें मैं अगर आम लोगों के नजरिए से कहूँ, क्योंकि जब न तो वकीलों को एक शहर से दूसरे शहर भागना पड़ेगा, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट भागना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो याचिकाकर्ता है या फिर मैं कहूँ कि जो वादी हैं इसके साथ जुड़े होते हैं केसेस के साथ में, वो भी अपनी लोकेशन पर रहकर गवाही दे सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ऐसे में दो अहम सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या न्याय सस्ता हो पाएगा उस गरीब इंसान के लिए, उसके रीच में आ पाएगा, और दूसरा जो पेंडेंसी का मसला है वो कितना हम इससे फास्टन कर सकते हैं रफ्तार को, ताकि ये जो कहा जाता है कि वक्त पर न्याय मिले वो मुमकिन हो पाए। जी साचन साहब, आपने दो सवाल पूछे हैं मुझसे, मैं जो आपका दूसरा सवाल है उसको पहले लेना चाहूंगा, क्या पेंडेंसी कम हो पाएगी। देखिए, हम सब करीबन ये जानते हैं कि 25-30% केसेस में सिर्फ इस कारण से डेट पड़ जाती है या मामला सुनवाई आगे बढ़ जाती है, एडजर्न करना पड़ता है, क्योंकि वकील साहब या याचिकाकर्ता या पिटिशनर या रिस्पोंडेंट या अक्यूज या कोई और व्यक्ति जो उस केस पे संबंधित है, गवाह भी हो सकता है, वो उस दिन उपस्थित नहीं हो पाया। क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मुझे कहीं जाना पड़ सकता है, मुझे हो सकता है ट्रेन की रिजर्वेशन नहीं मिल पाए, या जैसे मल्होत्रा साहब ने एग्जाम्पल दिया, वकील साहब दूसरी कोर्ट में एंगेज थे, उनका कहीं और मैटर लगा हुआ था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि करीबन 25-30% केसेस ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए एडजर्न हो पा रहे हैं कि होते हैं क्योंकि पार्टीज अवेलेबल नहीं है या विटनेस अवेलेबल नहीं है। तो मैं इस पॉइंट पे जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, अगर मुझे आना नहीं पड़ता कोर्ट में, अगर वकील साहब एक ही जगह बैठे बैठे दो कोर्टों का काम निपटा सकते हैं, तो वो 25-30% केस जो सिर्फ डेट पड़ जाती थी, एडजर्न हो जाते थे, इन कारणवश वो एडजर्न नहीं होंगे। तो एफिशिएंसी हमारी 1/3/3, तो एफिशिएंसी हमारी इसी कारण से अच्छी हो पाएगी। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा होगा तो पेंडेंसी जरूर कम होगी। दूसरा सवाल आपने ये किया था कि मैं एक चीज और आपके सवाल पे आने से पहले एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा, मल्होत्रा साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारा, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहे या कहीं बहुत सारे और मैटर्स ऐसे कहें जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हम ये काम कर भी रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा फायदा एक और है, इंटरनेशनली एक मापदंड कहा जाता है जिसको हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम सब लोगों ने सुना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंट्रीज को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग दी जाती है, आपकी कंट्री की कितनी अच्छी रैंक है उस पे लोन से लेकर कंपनीज कितना इन्वेस्टमेंट, कितना आपकी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, कितने नए बिजनेस खोलना चाहेंगे, इस पे भी डिपेंड करता है। हमारी न्यायपालिका, हमारा कोर्ट सिस्टम, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर हम अच्छी कोर्टें ऐसे सिस्टम बना पा रहे हैं जिसमें एडजर्नमेंट्स कम हो पाते हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा है, जेस्टेशन पीरियड कम है, एक केस की सुनवाई को 3-5-7 साल लगने की जगह 3-5-7 महीने में अगर हम काम खत्म कर पा रहे हैं, तो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है।
तो उस सेंस में मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट एक बहुत आने वाले फ्यूचर में बहुत शानदार प्रोजेक्ट बन सकता है। हाँ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस चैलेंजेस जरूर रहेंगे, लेकिन ये बात भी भूली नहीं जा सकती कि इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें व्हाट्सएप के, टिकटॉक के, फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर है। तो अगर हम व्हाट्सएप की मास्टरी कर सकते हैं, हम टिकटॉक के लाखों नए वीडियो बना सकते हैं रोज, तो हम ई कोर्ट्स भी धीरे धीरे जरूर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं। और सर, क्या सस्ता हो पाएगा न्याय जो एक आम आदमी है उसकी रीच में आ पाएगा, इससे कुछ फायदा होगा उनको? बिल्कुल फायदा होगा, डेफिनेटली। न्याय, अगर आप, अगर हम इस न्यायपालिका का प्रोसीजर देखें तो हम एक एक लिटिगेंट के लिए, एक याचिकाकर्ता के लिए एक काफी बड़ा कॉस्ट, जो लिटिगेशन कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है, उसमें वकील साहब की फीस है। वकील साहब की फीस ज्यादा क्यों है? वकील साहब, जैसे अगर हम दिल्ली का उदाहरण ले तो दिल्ली में 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं। वकील साहब एक जगह से दूसरी जगह भाग के जाना बहुत डिफिकल्ट है, तो उनके पास भी लिमिटेशन है कि मैं एक या दो केस ले सकता हूँ एक दिन के, एक या दो जगह जाके अपीयर हो सकता हूँ। अगर मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, दूसरी स्टेट में जा रहा हूँ, तो एक या दो जगह जा सकता हूँ। तो ये सारी लिमिटेशंस बहुत हद तक कम हो जाएंगी अगर हम ये ई कोर्ट्स या ऐसा कोई सिस्टम हम कर पाते हैं, ऐसा कोई हम कार्यक्रम, ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर पाते हैं जिसमें लॉयर्स मल्टीपल जगह अपीयर हो सकते हैं, तो नेचुरल सी बात है, जाहिर बात है कि कॉस्ट भी कम हो। ओके, रेखा जी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं कि आप लोगों का, मैं वकीलों क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, दौड़ भाग कम होगी, चैम्बर के खर्चे कम होंगे, महंगी जगहों पर ऑफिस का किराया नहीं देना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर ई सिस्टम को हम लागू कर पाए तो वाकई आम आदमी को सिस्टम ज्यादा इस न्यायपालिका का पता चल पाएगा, और शायद कुछ हद तक 10-20-30% तक हम उसके खर्चों को भी कम कर पाए ओवरऑल। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करती हूँ जो जसपाल जी ने बात कही कि वाकई के अंदर खर्चे कम होंगे। जब आपको अपना किराया नहीं भरना, कोई चेंबर को नहीं मेंटेन करना, कोई आपको प्राइवेट ऑफिस आपने ले रखा है, तो बड़े शहरों के अंदर तो लाखों रुपए का रेंट होता है, तो ये सारी चीजें हैं। आपका पेट्रोल का खर्च बचता है, एक दूसरी कोर्ट से जाने का जो एक आपका फिजिकल स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, वो सारी चीजें कम होती हैं। और फिर दृष्टि से देखें तो हमें इस बदलाव को टाइम लगेगा। टीडिंग ट्रबल्स तो जैसे मल्होत्रा जी ने भी कहा कि हर काम के अंदर आती है, कोई भी अब नया काम करते हैं टीडिंग ट्रबल्स आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक, जैसे कहते हैं कि एक हमारे जिंदगी के अंदर वॉटरशेड है, एक ऐसी जगह पे हम पहुंचे हैं कि अब हमको उसको कबूल करना पड़ेगा कि वक्त के साथ हमको बदलना पड़ेगा। पुराना समय बदल गया, नए जमाना आ गया है। हम लोग अपने क्लाइंट को यही कहते हैं कि भैया तुम आओ या ना हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाएंगे और अच्छी तरीके से बहस करेंगे। उसने कहा, मैं तो अपने क्लाइंट को यही बोलती हूँ कि आना चाहो तो आपके स्वागत है, मैं मना नहीं कर रही, पर आपके नहीं होने से भी मैं पूरी तैयारी करके जाऊंगी। तो ये क्लाइंट को धीरे धीरे एक विश्वास का लेवल आना पड़ेगा। शायद जब वो भी इस नए दौर से जब वो यूज टू हो जाएंगे, जब वो फेमिलियर हो जाएंगे, तो उनको इस बात पर विश्वास हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक बात चली भी है, ये मुद्दा उठा भी है कि क्या केसेस का वेबकास्टिंग हो सकता है, अगर ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, पारदर्शिता आ जाएगी, तो धीरे धीरे मुझको लगता है कि जब क्लाइंट अल्टीमेट इसका फायदा कौन, मतलब आखिर ये सिस्टम है किसके लिए, जजेस और लॉयर्स आखिर है किसके लिए, आखिर हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट से लिटिगेशन है, एंड यूजर, एंड फायदा तो सिर्फ एक हम अपने क्लाइंट का ही देखना चाहते हैं ना इसके अंदर, तो अगर उसका फायदा नहीं होता, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी उसका कोई फायदा नहीं है। एक हमारे मन में एक बस एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ हमने केसेस को रैप अप कर दिया, इतने केसेस खत्म हो गए। तो अगर ऐसा भी आ जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बात भी करी है कि अभी फिलहाल सारे के सारे केसेस को आप वेबकास्ट नहीं कर सकते, सब लोग उनको देख नहीं सकते, पर जब ये ट्रायल्स जो है ओपनली अवेलेबल हो जाएंगी, जब कोई भी किसी भी केस को नेट के ऊपर देख सकेगा, कुछ छिपाने की बात नहीं रह जाएगी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। भैया मेरे पास, मैंने कुछ नहीं छिपा के रखा, दूसरे वकील ने क्या बहस करी, मैंने क्या वकील बहस करी, जज साहब ने क्या सुना, क्या नोट डाउन करा, ये सब चीजों को देखते हुए वी हैव टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम जो हमारे सामने है। मुझे लगता है कि जरूर हम इसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स एक दिन जरूर लाके देखें। मल्होत्रा साहब, क्योंकि अब आखिरी में कुछ सवाल थे, मैं आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। दो सवाल मैं लेना चाहूंगा। एक सवाल आपके लिए है, एक दर्शक है जिन्होंने लिखा है ट्विटर पर कि क्या ई कोर्ट के जरिए जिस भी हम फेज में हैं, आम आदमी खुद फाइल करते हुए, सिस्टम को समझते हुए और जज के सामने अपनी बात को रखने में कामयाब हो पाएगा, यानी कि सहूलियत के तौर पर ये आम आदमी को मिलेगी?
मैं समझता हूँ इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इवन आज का सिस्टम भी परमिट करता है इन पर्सन अपीयर, अगर आप आज कोर्ट में हो सकते हैं, फिजिकल कोर्ट में हो सकते हैं, तो वर्चुअल कोर्ट में तो उसकी और भी ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रेखा जी ने बिल्कुल ठीक कहा जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा था, और बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि अगर जब ये एक मिनट सिस्टम ओपन हो जाएगा, आज भी जो है कोर्ट्स ओपन है, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स को आप छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी हियरिंग अटेंड कर सकता है, तो जब वर्चुअल कोर्ट्स की हियरिंग भी जो है आम आदमी के सामने आनी शुरू हो जाएगी, तो जिस तरह की कॉन्फिडेंस की रेखा जी बात कर रही हैं, वो ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ क्लाइंट्स में आ जाएगा, क्योंकि प्रोसीडिंग्स आर ओपन। और मैं समझता हूँ जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वहां कुछ संसाधनों की कमी है, कमी लोग एंटर कर पाते हैं, लेकिन वर्चुअल कोर्ट में तो कोई भी आदमी उस प्रोसीडिंग्स को देख सकता है, अनलेस द प्रोसीडिंग्स आर बीइंग हेल्ड इन कैमरा। तो मैं समझता हूँ ये सिस्टम जो है बहुत अच्छा रहेगा, और आदमी अपना केस खुद भी आर्ग्यू कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ओनली थिंग इज कि उसको सिस्टम में बताना पड़ेगा कि वो अपना केस खुद आर्ग्यू करना चाहता है, और आर्ग्यू करने के लिए उसको कहाँ अप्रोच किया जा सकता है, उसको अपना फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स सब देनी होगी, ताकि उसको समय पर इन्फॉर्म किया जा सके और वो अपीयर होके अपना केस आर्ग्यू कर सके। ओके हाजी जी, कुछ दर्शकों ने ये बात रखी है कि अगर आप समझा पाए बहुत शॉर्ट में कि ई फाइलिंग इसमें जो सिस्टम है, अगर कोई करना चाहता है तो क्या इनिशियली उसको देखना है, कहां पर जाना और कैसे रजिस्ट्री की फी या जो भी है प्रोसेस, इसका वो इनिशियली प्रोसेस क्या है, कैसे उसका लाभ ले सकता है? जी, ई फाइलिंग का मैं हम दिल्ली में हैं तो मैं दिल्ली का एग्जांपल आपको दे पाऊंगा। ई कोर्ट्स की वेबसाइट के पे ही ऑप्शन है आपके पास ई फाइलिंग का भी। ट्रेडिशनली हमारे पास ई फाइलिंग का ऑप्शन था कमर्शियल कोर्ट्स में और फैमिली कोर्ट्स में। अब क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है और लॉकडाउन चल रहा है, तो आप हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स ने अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर एक ईमेल एड्रेस प्रिस्क्राइब किया है, एक एओ साहब का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर साहब का फोन नंबर निर्धारित किया गया है। आप उन एओ साहब से बात कर सकते हैं, आप अपनी कोई भी अर्जेंट एप्लीकेशन हो उस आले ईमेल एड्रेस पे एप्लीकेशन के थ्रू आप फाइलिंग कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए कोई अर्जेंट मैटर है जिसमें मुझे अपनी गाड़ी छुड़वानी है, या किसी की बेल करवानी है, या कोई और मैटर है जो बहुत ही अर्जेंट है जिसके अंदर हम लॉकडाउन के खुलने का इंतजार नहीं कर सकते। हर कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर आपके पास एक वो ईमेल एड्रेस है, आप अपनी अपनी याचिका, अपनी एप्लीकेशन, अपनी पिटिशन उस वाली ईमेल एड्रेस पे दे सकते हैं। वापस दिल्ली का उदाहरण लेना चाहूंगा तो सिस्को वेबएक्स नाम का एक ऐप है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्धारित किया है। रोज हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारी बेल एप्लीकेशन, बहुत सारी अर्जेंट एप्लीकेशन इस सिस्को वेबएक्स के थ्रू डिसाइड हो पा रही हैं। okay. इसमें ना सिर्फ दोनों पार्टीज के एडवोकेट, कोर्ट स्टाफ, जज साहब सब लोग मुखातिब हो पाते हैं, सब लोग फेस टू फेस हो पाते हैं, जैसे अभी हम बात कर पा रहे हैं उसी तरीके से जज साहब पूरी बात सुन पाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, ईमेल के थ्रू जज साहब के डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ ऑर्डर दोनों पार्टीज को कोर्ट रिकॉर्ड के ऊपर चला जाता है, वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर अपलोड किया कर दिया जाता है। इस तरीके से फाइलिंग भी हो पाती है और मसलों का निवारण भी हो पा रहा है। ओके, बहुत अहम जानकारी आपने दी, लंबी एक चर्चा हो सकती है लेकिन वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि आखिर संकट के समय, इस कोरोना महामारी के संकट के बीच में ये मौका हमें नए रास्तों की तरफ ले जाता है, और ये नए रास्ते न सिर्फ किसी एक इंसान बल्कि पूरे सिस्टम के फायदे के नजरिए से कितने अहम हो सकते हैं, और उसको हमने देखा आज कि न्यायपालिका अगर इसे आगे बढ़ रही इस रास्ते पर, तो उसका लाभ किस तरीके से एक आमजन को न्याय